तैयार नहीं है, सरकार अपना जीत छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं किसका किसका जो आत्मसम्मान जीतता है, ये सरकार की जीत है। इस भाई से बात करते हैं। भाई साहब नाम बताइए, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? ये जो हाल हो रहा है ये कब से देख रहे हैं आप? 17 अप्रैल से यही हूँ मैं। अच्छा, मतलब 17 अप्रैल से मैंने लगभग 4 से 5 बार में आया था और अभी मैं आज ही आया हूँ वापस। ये इतने आंधी तूफान आ रहे हैं तो आपका हौसला नहीं टकमगाता? नहीं नहीं, जब तक आदेश नहीं होंगे तब तक यही है। ये जो मौसम भी जिद्दी हो रहा है, सरकार भी जिद्दी हो रही है, तो आपकी क्या जिद है? जब तक वित्तीय आदेश नहीं होते हैं तब तक नहीं उठे। जिस तरह देखते हो कि आंधी इतने तूफान आ रहा है, यहाँ पे किसी के सर पे लोहे की पाइप गिर भी सकते हैं, कोई मौत भी हो सकती है, जान माल की हानि भी हो सकती है, जैसे वहाँ दिख रहे हैं आप, तो है। आपको क्या लगता है सरकार पिघलेगी? जरूर पिघलेगी, जरूर अपने आदेश। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, हम आपका जज्बा देख रहे हैं, जिस तरह आंधी तूफान आ रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी की जान भी जा सकती है, इस तरह आंधी तूफान में अब सरकार जिद्दी हो रही है, तो आपको क्या लगता है सरकार जीतेगी कि आपकी जीत जीतेगी? जीतेगी तो होगी, यहाँ तो मौसम भी आपके विरुद्ध हो चुका है। अब जो भी है जो देखते हैं, दिन में 42 डिग्री 43 डिग्री तापमान हो जाता है और शाम के टाइम मौसम बदल गया, आंधी तूफान बरसात सब हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जितनी लड़ाई है सरकार को झुकना ही पड़ेगा? सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांग चाहे सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।